हे गाइस वेलकम टू डांस फ्रिक्स, मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं राइज अप नाम का एक मूव जिसकी मदद से आप कोई भी फ्लोर वर्क की कोरियोग्राफी में से कन्वर्ट होकर वापस पैरों पर आ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड अबाउट माई लेटेस्ट अपलोड। सबसे पहले हम लोग नीचे बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों से बॉडी का वेट हैंडल करेंगे, साइड में टर्न होके पुशअप वाला पोज में आ जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने जो राइट पैर का घुटना है उसको बेंड करके उसके ऊपर बॉडी का वेट लाना है इस तरह से। जब हम हाथ से पुश करेंगे तो पैर को भी इस तरह से बेंड करके बॉडी का वेट जो है यहाँ पर लेके आना है। अभी घुटना कहाँ पर टच करोगे आप, अपने पेट के पास, तो बॉडी का सेंटर आ जाएगा वहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये पुश किया, ऊपर आ गया। अब हाथ को पुश किया बिना सिर्फ ये लाओ, ठीक है। अब इसके साथ दूसरा पैर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। जितना हो सके उतना ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से धक्का मार के सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो पुश करने के लिए हम लोग को यहाँ से सीधा आना है ऐसे, ठीक है। तो ये किया और ये पुश, ठीक है। तो पूरा सीधा आने के लिए हम लोग एकदम स्ट्रेट आने के लिए क्या करेंगे, अपने धक्के का यूज़ करेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। देखो ये किया, नीचे ऊपर नीचे, इसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट आ जाना चाहिए। फिर धक्का मार के इतना हो जाना है। अब यहाँ से हम लोग को धक्का मार के जितना पैर आपका ऊपर होगा उतना ईजी पड़ेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि आपके पैर का जो वेट है वो हेल्प करेगा। यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि पैर पूरा सीधा नहीं रखा था इसलिए। तो पैर एकदम स्ट्रेट करोगे तो मैक्सिमम पैर का वजन यूज़ कर सकोगे सीधा होने के लिए। अब कोई भी फ्लोर वर्क पैसे आप इस तरह से कंटिन्यू करके कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाओ। कुछ और सीखना हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप डांसिंग।